नमस्कार मित्रों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आपके इस चैनल पर। मित्रों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं, बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूं। बहुत दिनों बाद इंग्लिश के क्लास में आना हुआ। जी हाँ, मैंने पहले से ही प्रॉमिस कर लिया था अपने मन में ही कि अब नए साल पर ही मिलूँगा। मुझे पता है कि तारतम्य जो होता है, जो निरंतरता होती है, वो भंग हो जाती है। उसके लिए मैं तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ मित्रों। लेकिन अब लगभग मैं रहूँगा ग्रामर का भी पोर्शन लेकर और आपकी स्पीकिंग का भी। ग्रामर का जैसे हमारा चार पार्ट नाउन के बाद अभी तक रुका हुआ है, वह भी चलेगा और आपका स्पीकिंग का लगभग हर दूसरे तीसरे दिन रोज़ आएगा मित्रों। ये प्रॉमिस है नए साल पर मेरा। जी हाँ, जिस चीज़ को प्रॉमिस नहीं कर पाया उसको गायब कर दिया, लेकिन प्रॉमिस कर रहा हूँ अब लगभग रहूँगा। चलिए, हमारे कारवां कहाँ रुका था मित्रों? पॉलिटिकल वर्ड्स हो रहे थे, उसमें मैंने नेगेटिव तक पहुँचा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव तक पहुंचा था। हमने क्या देखा था? करता है, नहीं करता है। अगर सिंपल है तो नॉर्मल में यस या यस, एक वचन में, बहुवचन में कुछ नहीं। और अगर नेगेटिव है तो डू या डज नॉट। वह जाता है ही गोस, वह नहीं जाता ही डज नॉट गो। मैं पढ़ाता हूँ आई टीच, मैं नहीं पढ़ाता हूँ आई डू नॉट टीच। एक वचन बहुवचन, डू नॉट डज नॉट। एक बार दोहराइएगा मित्रों, 18वां 19वां 17 18 19 या 16 17 18 19 एक बार दोहरा लीजिएगा, तभी मज़ा आएगा। और जो नए जुड़े हों मित्रों, जिन्होंने नए नए सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को, उनको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पहले नंबर से जाइएगा, स्पीकिंग के पहले पार्ट कमांड पर जाइएगा, तभी आपको कमांड होगा, मज़ा आएगा तभी से। और मित्रों, एक चीज़ और बता दें, अगर आपको दिक्कत होती है कि कभी GK, कभी इंग्लिश, कभी कुछ, तो आप ध्यान से जाइएगा मेरे चैनल पर, जहाँ लिखा हुआ VCL विद पंकज, जो जब खोलते हैं आप तो उस पर जब क्लिक करेंगे तो मेरा सब कुछ उस पर दिया रहता है कि वीडियोस, प्लेलिस्ट, सब्सक्राइबर। तो प्लेलिस्ट पे जब जाएंगे तो उस पर अलग से स्पीकिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो जानकार है वो पहले से जानते हैं, तो अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें एक तरफ से पहले भाग से लेकर 19वें भाग तक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से पा जाएंगे बड़े आराम से। नहीं तो कभी इंग्लिश देखेंगे, कभी GK देखेंगे, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि आ क्या रहा है। तो सब चीज़ का बना हुआ है। एंशिएंट हिस्ट्री अगर पढ़ना चाहते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री का है, मॉडर्न का मॉडर्न का है, इंग्लिश का इंग्लिश का है, ग्रामर का चार पार्ट ग्रामर का है। चलिए मित्रों, मित्रों आज फिर से मैं कुछ नए शब्दों को लेकर हाजिर हुआ हूँ। पॉलिटिकल शब्द मैंने आपसे वादा किया था कि जो सेक्शन चलेगा वही चलेगा, टेंस उसी में चलेगा। तो प्रेजेंट इन्फिनिट का टेंस हमारा पॉलिटिकल वर्ड्स है, तो उसमें हम मचेंगे। अभी खत्म होने के बाद ये वर्ड्स और ये टेंस, तब आपसे सवाल जवाब होगा मित्रों, तैयार रहिएगा। बिल्कुल, जिन्होंने पढ़ा है बिल्कुल तैयार रहिएगा। चलिए कुछ वर्ड देखते हैं जो हमारे लाइफ में यूज़ होते हैं, जो हमारे जीवन में यूज़ होते हैं डेली। पहला वर्ड है भड़काना। तो भड़काना न केवल पॉलिटिकल वर्ड है बल्कि आम लाइफ में भी होता है कि बड़ा भड़का रहे हो भाई, क्यों भड़काते हो? तो इसका स्टायर अप माने भड़काना। जी हाँ मित्रों, स्टायर अप। तो इसका प्रयोग न केवल पॉलिटिकल वर्ड में, हम लोग आम जीवन में भी करते हैं, जिंदगी में जो हमारी बातचीत होती है उसमें यूज़ करते हैं भड़काना, स्टायर अप, है ना। इसको आप बहुत जगह देखेंगे। नौकरशाही, जी हाँ मित्रों। ब्यूरोक्रेसी या ब्यूरोक्रेट माने नौकरशाह। इसका अर्थ समझ रहे मित्रों? अक्सर जो जिनका व्यवहारिक ज्ञान नहीं है लाइफ में, व्यवहारिक ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान तो है, किताबी ज्ञान तो खूब है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान तो जान लीजिए कि ब्यूरोक्रेसी माने होता है नौकरशाही। नौकरशाही माने हमारे प्रशासक लोग, IAS और PCS लोग। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है तो IAS, स्टेट गवर्नमेंट की है तो PCS। तो जो PCS और IAS होते हैं ना, जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, वही नौकरशाह होते हैं। कहते हैं ना कि राजनीतिक लोग, नेता लोग नेतागिरी तो करते हैं, चुनाव जीतते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन देश को चलाते हैं नौकरशाह लोग, हमारे ऑफिसर लोग, क्योंकि उनको सारा कुछ मालूम है, देश में क्या है, क्या आंकड़े हैं, कहाँ से क्या सेट करना है। उनको अगर गुट्टी बैठाना है तब भी ऑफिसर का प्रयोग करते हैं, कुछ बर्बाद करना है किसी को तब भी ऑफिसर का प्रयोग करते हैं, और कुछ अच्छे आंकड़े निकाल के देश को संवारने की नई तस्वीर बनानी है तब भी ब्यूरोक्रेट्स का प्रयोग करते हैं, नौकरशाह का। तो ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट। लाल फीताशाही मित्रों, जी हाँ, रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म, लाल फीताशाही मतलब
अब तो सिस्टम ये खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी ये शब्द बार बार सुनाई देते हैं। मतलब जैसे पहले फाइल होते थे, आपने देखा होगा बहुत जगह, कोर्ट में भी देखा होगा या ऑफिस में देखा होगा, अब डीएम और एसडीएम के, कि बड़ी बड़ी फाइलें लाल लाल फीता से बांधी जाती हैं। तो लाल फीता का बांधने का मतलब खुल नहीं रहा, खुल नहीं रहा माने नीचे चलता चला जा रहा है, और ज्यों ज्यों मुद्रा मिलता है त्यों त्यों ऊपर आता है, या सोर्स जुगाड़ जो लगाते हैं फिर ऊपर आता है। कहने का मतलब कि लाल फीता माने बंद कर देना, तो लाल फीता सही माने किसी भी चीज़ को डिले कर देना, बहुत दिन तक उसको रोके रखना, तो लाल फीता सही। कहते ना कि ये प्रस्ताव लाल फीताशाही का शिकार हो गई, बंद हो गया डब्बे में, बंद हो गया वो, तो लाल फीताशाही। महत्वपूर्ण भूमिका मित्रों, अगर इसको हम क्रिकेट के वर्ड में लगाते हैं तो क्रूशल रोल, अगर इसको और भी जगह लगाते हैं तो हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट रोल, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट तो होता ही है, इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन सिग्निफिकेंट का एक अपना अलग है ना। अभी हम अंतर नहीं बता रहे हैं, सिग्निफिकेंट, क्रूशल और इम्पोर्टेंट, तीनों में अंतर होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसका वर्ड आजकल कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो दिमाग में रखिएगा कि केवल इम्पोर्टेंट नहीं होता, केवल क्रूशल नहीं होता, क्योंकि हम क्रिकेट वर्ड मीनिंग में क्रूशल दे चुके हैं। तो सिग्निफिकेंट रोल, घोटाले मित्रों इसको सभी जानते हैं, स्कैम्स है ना, स्कैम्स एंड स्कैंडल्स, कांड माने स्कैंडल्स, याद करिए मैंने बताया था वो सुंदरकांड वाला वर्ड दूसरा होता है, जो कैंटो होता है वो दूसरा कांड होता है नाउन के चैप्टर में, और जो स्कैंडल्स ये कांड होता है किसी गलत सेंस में होता है। कांड माने जैसे वो हत्याकांड, वो रेप कांड, या वो किसी घटना वाला कांड, तो ये गलत सेंस में होता है तो उसको हम स्कैंडल्स बोलते हैं, कांड। दीक्षांत समारोह, या मित्रों कॉन्वोकेशन सेरेमनी, कन्वोकेशन शर्मनी, दीक्षांत समारोह, दीक्षा का अंत, शिक्षा माने होता है जो हम एजुकेशन पाते हैं, दीक्षा माने जो डिग्री पाते हैं, तो डिग्री देकर जो अंत कर दिया जाता है सेशन का, हम उसको दीक्षांत बोलते हैं। कन्वोकेशन, जिस दिन मित्रों हमको डिग्री दी जाती है और अलग अलग वेशभूषा पहना के, है ना, कुछ अलग से टोपी पहना के लगता है कि हम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, तो हमको जिस दिन डिग्री दी जाती है उसी दिन हमारा दीक्षांत समारोह होता है, यानी एक हिसाब से कहा जाए तो विदाई होती है, विदाई समारोह। तो कॉन्वोकेशन सर्मनी, शर्मनी माने समारोह, हम जानते ही हैं, कॉन्वोकेशन सर्मनी, दीक्षांत समारोह। अक्सर वहाँ पर पीपल एड्रेस करते हैं, लीडर्स जितने वह एड्रेस करते हैं यानी संबोधित करते हैं, किसको, स्टूडेंट्स को, तो कॉन्वोकेशन सर्मनी मित्रों ये वर्ड करोड़ों बार जीवन में आएगा। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, मेरे ख्याल से ये शब्द हो चुका है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो ध्यान दीजिएगा। अविश्वास प्रस्ताव, ये प्रधानी में हो सकता है, ब्लॉक प्रमुखी में हो सकता है, जिला पंचायत में हो सकता है, विधायकी में हो सकता है, सांसदी में हो सकता है, सब में। अगर आपको लग रहा है कि आपका नेता, आपका प्रतिनिधित्व, आपका सांसद, आपका विधायक, आपका प्रधान उचित नहीं काम कर रहा है और आप में दम हटाने की, तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाइए। माने कि आप कब जिस विश्वास से जीते थे, जिस वोट से जीते थे, आपको पास उतने लोग नहीं हैं। अगर मान के चलिए योगी जी 300 वोटों से, 300 सीट से जीते हैं, मान के चलिए लोग अविश्वास प्रस्ताव ला दे कि नहीं, 100-200 हो सकता टूट के अलग हो गए। प्रधान अगर किसी गांव का प्रधान है, 10 मेंबर हैं, 10 जो सदस्य होते हैं, सदस्यगण, वोटर नहीं, अगर उसमें से 6 ने बगावत कर दिया और अविश्वास प्रस्ताव ला दिया तो आपको हटना पड़ेगा। तो अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो गया संसद में, या चाहे जहां पर भी आपका, जहां संविधान मतलब आपका जहां ये सब विधान चलता हो, तो अगर ये पास हो गया तो आपकी सरकार गिर जाएगी, प्रधानी गिर जाएगी, विधायकी गिर जाएगी, सांसदी गिर जाएगी, या पूरा सरकार गिर जाएगी। नहीं पास हुआ तो कोई मतलब नहीं। हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त कर लेते हैं मित्रों, ठगना, जी हाँ स्विंडल, है ना, हिंदुस्तान के ठग, एक मूवी आ रही है मित्रों आमिर खान की, उसमें स्विंडलर, स्विंडलर माने ठग होता है, स्विंडल माने ठगना, या इम्बीजल माने भी होता है, इम्बीजल, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है मित्रों, मेरे ख्याल से सही है, इम्बीजल माने ठगना। आमरण अनशन, फास्ट अनटू डेथ, फास्ट अनटू डेथ माने जब तक मरे नहीं तब तक अनशन, भूख हड़ताल। फास्ट अनटू डेथ माने मृत्यु तक, मृत्यु के पर्यंत तक, यानी किसी पर प्रेशराइज करने के लिए, दबाव डालने के लिए सरकार पर, या किसी भी संस्था पर, या किसी आदमी पर,
तो लोग भूख हड़ताल करते हैं। आजकल हम खास करके लोकतंत्र में रोज देखते हैं, गुप्त कैमरे द्वारा कोई घटना रिकॉर्ड करना, इसको मित्रों हम लोग बोलते हैं स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन आपने सुना होगा मित्रों, कि जाते हैं घूस देते हैं, घूस का रिकॉर्ड कर लेते हैं मोबाइल से कैमरे से कहीं कहीं रिकॉर्ड करके, अपने ही जानबूझ को उसको परखने के लिए जाते हैं, बिक जाते हैं और उसके बाद रिकॉर्ड करके ले जाके सबको दे देते हैं। तो स्टिंग ऑपरेशन यद्यपि हमारे कानून के हिसाब से अवैध है, वो गलत है, अब तो एकदम गलत हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग करते रहते हैं एक्सपोज करने के लिए, चाहे वो है ना, नाम नहीं लूँगा किसी का भी मैटर हो, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा एक्सपोज किया जाता है लोगों को। और फंसाना, फंसाना खास करके राजनीति में, तो इम्प्लीकेट इन दैट केस, उस केस में फंसाना, तो इम्प्लीकेट कर दिया उन्होंने, है ना, उन्होंने इम्प्लीकेट, वो फंसाते हैं, ता है ती है, जैसे भी लगाओ, हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे। अब आते हैं भाई भतीजावाद, माने एक आदमी होता है तो अपने सारे नात रिश्तेदार को उसमें घुसा लेता है, तो उसको हम भाई भतीजावाद बोलते हैं, तो बोलते हैं नेपोटिज्म, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, यानी कोई भी, चाहे वो नेता हो चाहे प्रशासक हो, कहीं भी हो गया और अपने लोगों को उसमें भर्ती करने लगा, जुगाड़ पानी लगा के, घुस या सोर्स लगा के, तो उसको नेपोटिज्म कहते हैं। राजनीतिक अखाड़ा, मतलब पॉलिटिकल हब, कहते हैं ना कि भैया उनका घर तो राजनीतिक अखाड़ा है, पॉलिटिकल हब है, बड़े बड़े लीडर्स मीट देयर टू रिकंसाइल द प्रॉब्लम्स, यानी समस्या के समाधान के लिए वहां पर मिलते हैं राजनीतिक अखाड़े पर। अखाड़ा माने जहां पर लोग मिलते हैं, कुश्तीबाज, तो कुश्तीबाज माने यहां पर नेता हो गए, तो वो लोग जहां मिलते हैं उसको पॉलिटिकल हब बोलते हैं। आधारहीन, बेसलेस, बेसलेस माने, बेस माने आधार, बेस, अरे यार तुम्हारे पॉइंट तो एकदम बेसलेस है, बेकार, आधारहीन है, तुम्हारे एलिगेशंस जो है ना, जो आरोप हैं वो बेसलेस हैं, योर एलिगेशंस आर बेसलेस, पीछे रह जाना। जी हाँ मित्रों, इसका प्रयोग भी न केवल पॉलिटिकल वर्ल्ड में बल्कि बहुत जगह होता है, लैग बिहाइंड, पीछे रह जाना, ही इज लैगिंग बिहाइंड, वह तो पीछे रह रहा है, पीछे रह गया बिल्कुल, तो लैग बिहाइंड का प्रयोग बहुत लाइफ में आएगा, इसको बकायदे रट लीजिएगा, दिमाग में करिएगा। लांछन लगाना, एक बार हो चुका, दूसरे शब्दों में कास्ट एस्पर्शन, किसी पर एक्रिमोनियस टिप्पणी करना, लांछन लगाना, किसी का नाम बदनाम करना, फालतू की आरोप लगाना, उसे हम बोलते हैं कास्ट एस्पर्शन। कास्ट माने फेंकना, एस्पर्शन माने लांछन या कलंक या धब्बा, कास्ट एस्पर्शन। खंडन करना, मतलब कॉन्ट्रेडिक्ट, कॉन्ट्रेडिक्शन, कॉन्ट्रेडिक्ट माने खंडन करना, किसी भी बात का आपने जो किया उसको रिफ्यूट किया मैंने, रिब्यूट किया मैंने, कॉन्ट्रेडिक्ट किया, तीन तीन अर्थ में बता रहा हूँ, रिफ्यूट, रिब्यूट, कॉन्ट्रेडिक्ट, तो इसका प्रयोग थोड़ा ज़्यादा होता है कॉन्ट्रेडिक्ट ना, जस्ट ही कॉन्ट्रेडिक्ट्स, कॉन्ट्रेडिक्टेड और एलिगेशंस, है ना, हमारे सारे आरोप को उसने खंडित किया। पहचान, जी हाँ, रिकग्निशन, रिकग्निशन, रिकोगनाइज माने पहचानना किसी को, रिकोगनीशन, रिकोगनीशन, कहीं कहीं मित्रों अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग बहुत दिनों बाद होता है तो उसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। रिकोगनीशन, पहचान, किसी चीज़ को, किसी चीज़ की पहचान, रेपुटेशन, ख्याति। जाँच, प्रोब, कहते हैं बड़ी उच्च स्तरीय जाँच को कराया गया, वेरी हाई लेवल प्रोब वॉज कंडक्टेड अगेंस्ट हिम, है कंडक्ट माने करा ना, तो हाई लेवल प्रो, बहुत बड़ी जांच, ऊंची जांच, ठीक है मित्रों। इन सब वर्ड्स को जो पुराने लोग हैं बिल्कुल निकाल के कॉपी पे रखिए, नोट करिए, याद करिए, उसके बाद हम अगले चैप्टर में हम यूज करते हैं उसको इंट्रोगेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मैं पूरा फिर से दोहराऊंगा एक ढंग से, लेकिन आपको तो रटना होगा, ये आपका काम है मित्रों। चलते हैं बेहतरीन इंग्लिश के एक ऐसे दायरे में जहाँ पर आगे चल के हमको फेस करना है सारी चीज़ें, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, हर जगह मिलेगा, अगर अभी से चेतन नहीं है तो प्रॉब्लम तो आनी है मित्रों, तो अभी से जम जाइए, लग जाइए पूरा। अगली बार मैं आप लोगों से सवाल जवाब खूब करूँगा, अब आपको उत्तर देना होगा, आज सवाल करूँ कुछ, चलिए छोड़िए, अगले चैप्टर से मिलते हैं फिर से, उसके पहले एक बार कहना चाहूँगा फिर से, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर लिए, लाइक डिसलाइक जो भी समझ में आता है आप करिए, शेयर करिए जम के। मिलते हैं अगले एपिसोड में, धन्यवाद।